15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्थानीय रखबाग में समूह इलाका निवासियों के सहयोग से योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद नरेंद्र कुमार काला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म अदा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में इलाका निवासी शामिल होकर योग का लाभ उठाया व समूह देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। हाँ, मैं कृष्ण लाल गुप्ता, स्वामी जी आशीर्वाद नाल इस राष्ट्र सेवा योग सेवा असी अपनी टीम के नाल समिति के नाल लगे हुए हाँ। अज असी रोज़ गार्डन 72वें इंडिपेंडेंट डे असी अज सैलीब्रेट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जिथे असी लोगों प्राणायाम के नाल किस तरह बीमारियां दूर होंदिया हैं उसके बारे जानकारी दिती है और आसन किस तरह साडे शरीर मन बुद्धि नूं स्वस्थ बनाते हैं उसके बारे सारी गलबात की है और लोगों ने बड़े उत्साह के इस हिस्सा लिया है और ये राष्ट्रीय पर्व और अज देश के शहीदों को याद करन दा है, उन क्रांति वीर भैनों को याद करन दा है जिन्हों के कारण सानू आज़ादी मिली है और उन्होंने भी असी अज याद करते हाँ, नमन करते हाँ जिन्होंने इस देश दी सरहदां की राखी की और राखी कर रहे हैं। अज एक संकल्प लैन का दिन है कि असी भी अपने देश वास्ते जियांगे और देश वास्ते मरांगे और भारत माता झंडा हमेशा उच्चा रखांगे। तो सारे आह्वान करते हैं, ये सारे काम तो ही सिद्ध हो सकते हैं अगर असी योग करांगे और असी निरोग जीवन जी सकांगे तो ऊर्जा के नाल ही फिर ये सारा कुछ हो सकता है। तो आइए सारे देशवासियों को ये अपील करते हाँ, तनि योग समिति बाबा रामदेव जी की ये अपील करती है कि हर रोज़ योग करो ताकि एक स्वस्थ राष्ट्र समाज का निर्माण हो सके। असी लुधियाने लगभग 40-45 क्लासा चला रहे हैं जिहड़ी कि बिल्कुल निःशुल्क ने और लोगों की पूरी सेवा कर रहे हैं स्वस्थ रखने वास्ते। अज असी सारे संकल्प लै रहे हैं कि इस होर ज़्यादा तो ज़्यादा असी क्लासा खोलांगे और योग का प्रचार और प्रसार सारे लुधियाने सारे पंजाब सारे देश करांगे। हाँ, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपर असी अज लगभग 1000 के करीब लोग इतने इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने असी पहले योग अभ्यास करवाया और हुण देश भगती के गीतों के नाल इस देश में वीर जो शहीद हो गए हैं उन्होंने याद करांगे और इस देश में किस प्रकार साढ़े जो वीर अपनी पूरी ऊर्जा के नाल देश की सरहदों को बचा रहे हैं उन्होंने असी सलाम करते हैं। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।